क्योंकि न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने अस्तुति महो न चाहानं ज्ञानं तदपि च न जाने अस्तुति कथा न जाने मुद्रा अस्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्तु सर्वं क्लेशहरणं विधेर ज्ञानेन द्रविणवेण हेना लसतया विधे आसक्त वाते चरण वरिया चौतिर्भूत तदेतत् क्षन्तव्यं जन्नि कारणी शिवे पुत्रो जायत क्वचिदपि माता न भवति। आपके सामने जनता माता होती है और पुत्र इस समाज से आता हूं, कहते हैं कि भाई आपका समाज तो कांग्रेस को वोट नहीं देता है। मैं दावा करता हूं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज के जो भी युवा जो बच्चे आएंगे वो जेपी की कहानी सुनेंगे और कांग्रेस को कभी अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये मैं आज आपके सामने बता रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं, वैसे हमारे जुझारू ओजस्वी वक्ता संघर्षशील और वर्तमान में नाको दम करने वाले, अब किसका नाक दम कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। वैसे हमारे सम्राट चौधरी जी मंच पर उपस्थित थे, हमारे अभिभावक और राजनीति में जब मैं नवजात था भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, वैसे हमारे अभिभावक मानवर राधा मोहन सिंह जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और उन्होंने पहली पहल मुझे प्रदेश कार्य समिति में युवा मोर्चा में नॉमिनेट किया था। मेरे अभिभावक आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, छात्र संघ की राजनीति में मुझे दूर दूर से तक राजनीति का मुझे अता पता नहीं था। मैं साइंस कॉलेज में एमएससी जियोलॉजी का विद्यार्थी था, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हो रहा था और मुझे जबरन घर से खींच के छात्र संघ के महामंत्री के रूप में चुनाव लड़वाने वाले और चुनाव में जीत दिलवाने वाले, वैसे हमारे रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं पटना साहिब के माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, विधान परिषद में विपक्ष के नेता मानवर हरी साहनी जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई प्रेम कुमार जी, श्री संजय खंडेलिया जी, संतोष पाठक जी, श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी, हमारे भाई दीघा के लोकप्रिय विधायक श्री संजीव चौरसिया जी, श्री मनीष सिन्हा जी, महानगर के अध्यक्ष श्री अभिषेक सिन्हा जी और तमाम उपस्थित इस छोटे समय में पटना महानगर के हमारे समर्थक गण और कार्यकर्ता गण, तमाम नेता बैठे हुए हैं। लगभग 12 वर्ष आपसे दूर रहा, खट्टे मीठे अनुभव हो गए, इसलिए सबसे पहले वो जो 12 वर्ष का जो काल था वह एक राजनैतिक यूं कहें एक फेज था और उस फेज में मैंने आपके लिए जो भी बुरा भला शब्द कहा होगा, जो अप्रिय शब्द कहा होगा, मैं उसके लिए सरेआम इतने लोगों के सामने माफी चाहता हूं। क्योंकि न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने अस्तुति महो न चाहानं ज्ञानं तदपि च न जाने अस्तुति कथा न जाने मुद्रा अस्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्तु सर्वं क्लेशहरणं विधेर ज्ञानेन द्रविणवेण हेना लसतया विधे आसक्त वाते चरण वरिया चौतिर्भूत तदेतत् क्षन्तव्यं जन्नि कारणी शिवे पुत्रो जायत क्वचिदपि माता न भवति। आपके सामने
जनता माता होती है और पुत्र कुपुत्र भी हो जाते हैं तो जनता उन्हें माफ कर देती है। और मुझे लगा, मुझे स्मरण हुआ कि बहुत से खट्टे मीठे अनुभव आए और ये बेदर्दी राजनीति बहुत कुछ मुख से बुलवाती है और बुलवाई होगी तो आप मुझे क्षमा कर दिए क्योंकि मैं आपका एक आज से अंग हो गया। और मुझे लगता है कि जब नौ मन लकड़ी में जाना पड़ेगा तो कम से कम कमल का कफन रहेगा, ऐसा मुझे आज विश्वास है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति में मैंने आग्रह किया था माननीय अध्यक्ष सम्राट जी से कि मुझे ज्वाइन करने की अनुमति दीजिए, अनुमति मिली और इसलिए इस दिन को चुना था क्योंकि मुझे बताना था लोकनायक की गोद में बैठने वाले वैसे नेतागण, अभी ये डॉक्यूमेंट्री चल रहा था, वैसे नेतागण जिन्होंने क्या क्या कसमें नहीं खाए थे आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की हत्यारी कांग्रेस, मैं हत्यारी कांग्रेस इस कारण कहता हूं, जिस इंदिरा गांधी को मानवर लोकनायक जी अपनी बेटी मानते थे उस बेटी ने आपातकाल के दौरान उन्हें जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करने के बाद वे मधुमेह से पीड़ित थे, हाइपरटेंशन से पीड़ित थे, उन्हें किडनी की बीमारी हो गई और किडनी की बीमारी से वो चल बसे, ये कांग्रेस ने उनके साथ व्यवहार किया था। अब लोग कहते हैं मैं जिस समाज से आता हूं कहते हैं कि भाई आपका समाज तो कांग्रेस को वोट नहीं देता है, मैं दावा करता हूं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज के जो भी युवा जो बच्चे आएंगे वो जेपी की कहानी सुनेंगे और कांग्रेस को कभी अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये मैं आज आपके सामने बता रहा हूं। और अब बात हो गई, अब सरकार की बात हो गई, दो मिनट में बात को खत्म करूंगा। मैंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, गलत नहीं बोलना चाहिए, और दोनों राजनीति में मेहनत से आए हैं, दोनों ने विकास किया है और बहुत सिमिलरिटी है, इसलिए दोनों नेता यदि एक साथ काम करेंगे तो भारतवर्ष का और विकास होगा। बस इन लोगों ने रणवीर नंदन पर एक्शन करने के लिए सोच लिया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब आप सोचिए क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 दिन में बैठते हैं, 29 दिन पटना में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लगता है कि कोई सीमा ही नहीं, उनको यह बात नागवार गुजरी। और ये भी बात सही है कि कहते हैं लोग कि दो लोगों ने एनडीए गठबंधन को तोड़ दिया, मैंने कहा कि भाई एनडीए के साथ तो सबसे ज्यादा आप थे, सबसे ज्यादा दिन तक आप रहे, तब ऐसा क्यों किया, लेकिन जब टूट गया तो टूट गया, जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे। मैंने सोचा कि अब सर पर से पानी ऊपर चला गया है, अब यहाँ रहना नहीं है, और मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया। और मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे स्वीकार किया और मैं आज वादा आपको करता हूं कि पार्टी के लिए जिस जोश खरोश से काम करता था मैं वो काम करूंगा और ऐसा काम करूंगा, देख लीजिएगा। इस सारे विरोधियों और घमंडिया गठबंधन को मैं संदेश देना चाहता हूं, अरे भाई ताली कस के ना बजाइए, घमंडिया गठबंधन की ना बात हो रही है, एक सीट बिहार में लोकसभा की उन्हें नहीं मिलेगी, 40 की 40 जीतेंगे। अभी भाई कह रहे थे 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन उसके पहले मानवर नरेंद्र मोदी जी थंपिंग मेजोरिटी के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा आपका भी कसम है।
बस इसी संकल्प के साथ आपको पुनः प्रणाम करते हुए और फिर क्षमादान मांगते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।